हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टीके टेक्निकल पॉइंट। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डोमेन नेम के बारे में। डोमेन नेम की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूं। डोमेन नेम क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, डोमेन नेम वीएस यूआरएल क्या है, यानी कि डोमेन नेम और यूआरएल में क्या डिफरेंस है, टाइप्स ऑफ डोमेन नेम की भी यहाँ पर बात करेंगे, डोमेन नेम कितने टाइप्स का होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली इसी तरह की यूजफुल वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज़ डोमेन नेम, डोमेन नेम क्या होता है, हाउ इट इज़ वर्क, कैसे वर्क करता है, डोमेन नेम वी एस यू आर एल, डोमेन और यू आर एल में क्या डिफरेंस है, टाइप्स ऑफ डोमेन नेम, डोमेन नेम के टाइप्स की यहाँ पे बात करेंगे। व्हाट इज़ डोमेन नेम, डोमेन नेम क्या है, डोमेन नेम के बारे में जानते हैं। हम जानते हैं प्रत्येक वेबसाइट का एक अपना आईपी एड्रेस होता है। उस आईपी एड्रेस का यूज़ करके वेबसाइट को एक्सेस किया जा सकता है। कोई वेबसाइट है उसका एक अपना एक पार्टिकुलर आईपी एड्रेस होता है, उसी को यूज़ करके हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अमेज़न की बात करते हैं, अमेज़न की वेबसाइट है उसका आईपी एड्रेस है मान लो 129.34345.546.12, ये उसका आईपी एड्रेस है फॉर एग्जांपल। अब अमेज़न की वेबसाइट को हमें एक्सेस करना है तो हमें एक्सेस करने के लिए URL बार में इस IP एड्रेस को एंटर करना होगा तो हम Amazon की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। लेकिन वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए इस तरह के नंबर्स, IP एड्रेस के नंबर्स को याद रखना हमारे लिए इजी नहीं, काफ़ी इम्पॉसिबल है। किसी वेबसाइट्स का, एक दो वेबसाइट का हम नंबर याद रख सकते हैं, लेकिन इतनी सारी वेबसाइट्स हैं उनका हम IP एड्रेस याद करना हमारे लिए काफ़ी इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल ये मतलब पॉसिबल नहीं है। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है हम यूज़ करें उस वेबसाइट का डोमेन नेम, यानी कि किसी वेबसाइट को उसके आईपी एड्रेस से एक्सेस करके अब हमें उसके डोमेन नेम से उसको एक्सेस करना है। डोमेन नेम को हम याद रख सकते हैं, जैसे कि वेबसाइट है amazon.com, तो इसका हमें पता है www.amazon.in, इस तरह से हम उसको याद कर सकते हैं। उसका आईपी एड्रेस हम नहीं याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे उसके यूआरएल बार में हम आईपी एड्रेस के प्लेस में अब वहाँ पर डोमेन नेम को यूज़ करते हैं। यूआरएल बार में हम एंटर करते हैं डोमेन नेम, जो भी अमेज़न का डोमेन नेम है, जैसे अमेज़न का डोमेन नेम क्या है, www.amazon.in। अब डोमेन नेम है क्या, डोमेन नेम इज़ ए यूनिक आइडेंटिटी ऑफ वेबसाइट। ये क्या है, किसी वेबसाइट की एक यूनिक आइडेंटिटी है। इट इज़ यूज टू एक्सेस वेबसाइट, और ये क्यों यूज़ होती है, किसी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। सेकेंड वे में हम कह सकते हैं डोमेन नेम्स आर द ह्यूमन फ्रेंडली फॉर्म्स ऑफ एन इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, यानी कि डोमेन नेम्स क्या है, ह्यूमन फ्रेंडली फॉर्म्स हैं किसी भी आईपी एड्रेस की। एंड विच कॉमनली यूज टू फाइंड ए वेबसाइट, जो कॉमनली यूज होती है किसी वेबसाइट को फाइंड आउट करने के लिए, किसी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए हम डोमेन नेम्स का यूज करते हैं। सेकेंड वे में इट इज ऑनलाइन आइडेंटिटी ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, ये किसी भी पार्टिकुलर पर्सन, किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी एस्टेब्लिशमेंट की क्या है, एक ऑनलाइन आइडेंटिटी है। एंड थर्ड वे में आप कह सकते हैं इट इज ए परमानेंट एड्रेस दैट हेल्प अस टू एक्सेस ए वेबसाइट फ्रॉम एनी वेयर इन द वर्ल्ड। क्या है ये, एक परमानेंट एड्रेस है किसी भी वेबसाइट का, जो हमें हेल्प करता है किसी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए वर्ल्ड के किसी भी कोने में से हम इसको, इस एड्रेस को डाल के इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे समझते हैं किस तरह से डोमेन नेम के थ्रू किस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। डोमेन नेम आईपी एड्रेस से कनेक्टेड होता है। प्रत्येक वेबसाइट का डोमेन नेम स्पेसिफिक आईपी एड्रेस से कनेक्ट होता है। यूज़र आईपी एड्रेस को याद नहीं रह सकता, इसलिए वो किसी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए उसका डोमेन नेम यूज़ करता है। मान लो मैं यहाँ पे google.com को, गूगल की वेबसाइट को एक्सेस करना है, तो हम यहाँ पे किस तरह से उसको एक्सेस करेंगे, हम अपने ब्राउज़र में ओपन करेंगे ब्राउज़र को और उसके सर्च बार में वहाँ पे डालेंगे google.com। वैसे तो हम आईपी एड्रेस के थ्रू एक्सेस करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक्सेस कर रहे हैं डोमेन नेम के थ्रू। तो यहाँ पे हम जैसे इसमें google.com डालेंगे तो हमारे यहाँ पर डोमेन नेम, जैसे हमने यहाँ पर एंटर किया google.com, ये जो डोमेन नेम है ये DNS सर्वर के पास भेजा जाएगा। और DNS सर्वर क्या होता है, इसमें आईपी एड्रेस के साथ डोमेन नेम भी मैप होते हैं, वेबसाइट्स के नेम के साथ उनके आईपी एड्रेस इसमें मैप होते हैं। ये ऐसे एक फ़ोन बुक की तरह काम करता है, जैसे हमारे फ़ोन में किसी पर्सन के नेम के साथ उसका कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन रहता है, सेम DNS में भी वेबसाइट के नेम के साथ उनके आईपी एड्रेस मैप होते हैं। अब जैसे ये DNS सर्वर के पास भेजा जाएगा डोमेन नेम, तो वहाँ पे वो अपने बुक में सर्च करेगा कि इसका जो google.com है इसका आईपी एड्रेस क्या है, यानी गूगल की वेबसाइट का आईपी एड्रेस सर्च करेगा। और उसको जैसे आईपी एड्रेस मिलेगा तो वो जो भी क्लाइंट की रिक्वेस्ट है उसके बेस पर ये उसको सर्विस प्रोवाइड कराएगा। यानी कि DNS सर्वर जो है इसके पास सभी वेबसाइट्स के नेम के साथ उनके आईपी एड्रेस मैप्ड होते हैं,
जैसे ही रिक्वेस्ट जाती है वो वहाँ पे उनके आईपैड उनके नेम के साथ उनके आईपैड को चेक करता है और वहाँ पे क्लाइंट की जो भी रिक्वेस्ट होती है उसको फुलफिल करता है। अब नेक्स्ट है हमारा डोमेन वीएस यूआरएल, यानी कि डोमेन क्या है और यूआरएल क्या है इसको समझते हैं। ए डोमेन इज़ द नेम ऑफ ए वेबसाइट। डोमेन क्या होता है, किसी वेबसाइट का नाम होता है, जबकि यूआरएल क्या है, यूआरएल इज़ द कंप्लीट इंटरनेट एड्रेस ऑफ ए वेब पेज। यूआरएल क्या है, किसी भी वेब पेज का एक कंप्लीट एड्रेस होता है, या फिर कह सकते हैं यूआरएल्स आर यूनिक एड्रेस दैट हेल्प्स पीपल लोकेट ए वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। यानी कि यूआरएल क्या है, एक वेब एड्रेस होते हैं जो किसी वेबसाइट को लोकेट करते हैं इंटरनेट पर। अब डोमेन क्या है, यूआरएल का एक पार्ट होता है। जैसे मान लो गूगल का एक यूआरएल है http://www.com, ये क्या है, गूगल का एक फुल यूआरएल है, यानी कि गूगल का फुल कंप्लीट एड्रेस है। अब इसका एक पार्ट है google.com, ये क्या है, यहाँ पर उसका डोमेन नेम है, यानी कि डोमेन नेम डोमेन क्या है, यूआरएल का एक पार्ट है, जबकि यूआरएल क्या है, किसी वेबसाइट का एक कंप्लीट एड्रेस होता है। टाइप्स ऑफ डोमेन की बात करते हैं, डोमेन कितने टाइप्स के होते हैं। डोमेन मोस्टली 3 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी डोमेन, सब डोमेन एंड टॉप लेवल डोमेन, यानी कि TLDs। अब इनको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो हम यहाँ पर अमेज़न का यूआरएल लेते हैं, उसके थ्रू इनके डोमेन को समझेंगे। http://www.amazon.in, ये अमेज़न का यूआरएल है। अब इसके थ्रू समझते हैं यहाँ पर सब डोमेन कौन सा है, प्राइमरी डोमेन कौन सा है, टॉप लेवल डोमेन इसमें कौन सा है। और ये www जो है ये क्या है, इसका सब डोमेन का पार्ट है, इसको बोलते हैं सब डोमेन। एंड नेक्स्ट है अमेज़न, अमेज़न क्या है, यहाँ पर प्राइमरी डोमेन है, एंड .in क्या है, टॉप लेवल डोमेन। यानी कि इस यूआरएल के अंदर www जो है ये सब डोमेन है, अमेज़न जो है ये प्राइमरी डोमेन है, एंड .in क्या है, ये टॉप लेवल डोमेन है। इस तरह से टाइप्स ऑफ डोमेन को हमने यहाँ पे जाना, प्राइमरी डोमेन कौन सा होता है, सब डोमेन कौन सा होता है, टॉप लेवल डोमेन कौन सा होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा डोमेन नेम के बारे में दी गई बेसिक इन्फॉर्मेशन, व्हाट इज़ डोमेन नेम क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, डोमेन नेम वीएस यूआरएल में क्या डिफरेंस है, और टाइप्स ऑफ डोमेन, डोमेन के कितने पार्ट्स होते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली इसी तरह की यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।